नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के विद्यापति नगर में श्री श्री महावीर मंदिर की तृतीय वर्षगांठ पर 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 29 अप्रैल से लेकर 5 मई तक आयोजित होगी, जिसमें वृंदावन से कथावाचक श्री कपिल दीक्षित भागवत कथा की प्रस्तुति दे रहे हैं। ये कार्यक्रम 29 अप्रैल को कलश यात्रा के साथ आरम्भ हुई थी, जो मंदिर प्रांगण में स्थापित की गई। इसके बाद सायंकाल से कथा आरंभ हुआ। इस कार्यक्रम में विद्यापति नगर के अलावा आसपास के क्षेत्र से सैकड़ों श्रोता इसमें शामिल हो रहे हैं। मंदिर के अध्यक्ष संजय सिंह ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 5 को कथा संपन्न के बाद 6 मई को विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों भक्त प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। सर, क्या कार्यक्रम कब से शुरू हुआ है बताइए? तृतीय वर्षगांठ के शुभ अवसर पर 29 अप्रैल से कथा का शुभारम्भ हुआ है कलश यात्रा के साथ। आज कथा का दूसरा दिन है। ये कथा 5 मई तक चलेगी और 6 मई को विशाल भंडारा के साथ समापन होगा। पूरे बस्तीवासी, समाजवासी, जमशेदपुर वासियों को हमारा निमंत्रण है कि इस विशाल भंडारा में आए और महाप्रसाद का आनंद लें। महाराज जी आए हैं वृंदावन से, इनका नाम कपिल दीक्षित जी है। किस उपलक्ष्य में? मूर्ति स्थापना के तृतीय वर्षगांठ, मूर्ति श्री श्री शिव महावीर मंदिर विद्यापति नगर बारीडी। संजय सिंह अध्यक्ष। प्रेम ऐसा है कि अंगारों में भी नींद आ जाती है, और कहीं तो कांटों पर भी आराम मिल जाए और पूरी रात उस मखमली बिस्तर पर निकल जाए और नींद भी नहीं आए। प्रेम की खातिर वो पूरी रात निकल जाए, एक नींद का झोंका नहीं आए, और आने आने वाले को जब